ठीक है, ये कैंडल है 259 की। ध्यान रखेंगे एक मोमेंटम ऊपर की साइड आ सकता है, अगर क्रॉस डायरेक्टली नीचे की साइड करे तो नीचे की साइड भी ट्रेड कर सकते हैं। ऊपर की साइड के प्रीमियम्स के लिए वेट करेंगे। प्रीमियम उठ रहा है, प्रीमियम यहाँ गिर रहा है। ये 12 रुपये का प्रीमियम है, ये 15 रुपये का प्रीमियम है। ठीक है, कोई स्ट्रेच वैल्यू आई है क्या? 23 सेकंड बची है, कोई स्ट्रेच वैल्यू नहीं आई है क्या? ग्यारह सेकंड 10 सेकंड बचे हैं। मार्केट इसके मिडल के पोर्शन पे है, एक ग्रीड दे सकता है ऊपर के सिनेरियो में। ऊपर की साइड तुरंत क्रॉस करेगा ये। वेट, अभी नहीं गया है मार्केट, नहीं गया है। अब एक स्ट्रेच वैल्यू आ रही है, उसके बाद मार्केट क्रॉस कर गया। ठीक है, यहाँ एक प्रीमियम देख सकते हो आप। ध्यान रहे, इसी क्रॉस के ऊपर आपने लिया है, ये एरिया को टच कर रहा है, यही आपका एसएल होना चाहिए। पैसा मिले तो ठीक है, अटेंडेंट वैल्यू को क्रॉस नहीं कर पाया, अटेंडेंट वैल्यू को अभी भी क्रॉस नहीं कर पाया। बॉटम के मतलब नीचे की साइड आ रहा है एसएल, अपना कोस्ट टू कोस्ट रखो, दूसरी साइड की तैयारी करो, निकाल दो। आप पुट की साइड की तैयारी करो, पुट की साइड के ले लिया होगा किसी ने, अच्छा प्रीमियम मिलेगा पुट की साइड मिलेगा तो। पहला हाँ मैं सर, आप मैंने क्लिक, लिए ठीक है, सर, जो नो भी पे जा रहा लिए है कैंडल का बेस का आप एसएल रखो और लेके यस चलो सर। इसको, यही एसएल रखो, ज्यादा एसएल नहीं रखेंगे। प्रीमियम देगा तो यहीं से देगा, बहुत अच्छा उछाल देगा, ठीक है सर। ये एरिया टूटने पे उछाल आएगा। वैसे तो पुट वाले मरे पड़े, वो मरे ही रहेंगे पूरे दिन, यही एक उछाल है जो पुट वालों, कॉल वाले तो मर गए, पुट वालों को तो यही उछाल है जो मिलेगा। यहाँ पैसा देखोगे सर होल्ड कहाँ तक लगभग, करना है? होल्ड कहाँ तक करना, टाइम देखो 22 सेकेंड है, वेट करो, अभी वेट करो। अटेंडेंट एरिया ये है क्या? ये कौन सी कैंडल थी? हाँ ये अटेंडेंट एरिया है मेन। 9 सेकेंड है, ऊपर की रेट मिल रही है, क्लोज के आसपास कुछ क्वांटिटी क्लोज कर दो, कुछ क्वांटिटी क्लोज कर दो, ठीक है सर, यहाँ के निकल आसपास दी। मिल रही। हाँ कुछ निकाल दो, पूरी नहीं निकालने की जरूरत है, अटेंडेंट एरिया पार होगा और स्पीड आएगी। अरे ये पार हो सर गया, पूरी अगला अटेंडेंट एरिया, ये कैंडल का नीचे की साइड से क्रॉस करे आप निकल सकते हो। 47 सेकेंड है, 47 सेकेंड है, निकल रहा है ये देखो, या तो हाँ चलो अब ये बैरियर हो गया है, स्पीड में आया, यहीं से निकल जाओ, निकल जाओ यहीं से, पहले स्पाइक को छोड़ते हुए दूसरे स्पाइक पे निकल जाना चाहिए, कोई गलती गलती ना करे। दोबारा आपको ट्रेड करना है इस पे, देखो मार्केट का मोमेंटम हम डायरेक्शन नहीं मान रहे थे, दोनों साइड में कलाकारी करेगा हमें पता था, उसके बेसिस पे यहाँ पे आपने ले लिया, बढ़िया बात है। यहाँ कुछ भी नहीं मिलने वाला, कॉल मत ट्रेड करना, डेड है कॉल बिल्कुल भी। सर, 9 पे ली थी और 28 पे निकली है 9 पे ली, 28 पे निकली, सर। 3 गुना कर 14 दिया पे और ली क्या थी, चीज है, 14 पे ली थी, 32 पे निकाली है। बढ़िया और ये बढ़िया। ये ट्रेड 47 पे ली, 87 पे निकाली है। देखो प्लान अपना क्या था, प्लान अपना साइकोलॉजी के बेस पे था, एक बाइंग मोमेंटम फिर सेलिंग मोमेंटम। पहला मोमेंटम बाइंग, बाइंग आया ठीक है, जिसने कुछ लिया लिया, अटेंडेंट वैल्यू बहुत काम आती है यहाँ पे। अटेंडेंट वैल्यू मैंने यहाँ पे भी आपका प्रीमियम अटेंडेंट वैल्यू के बेस पे ही निकाला था, फिर मार्केट ऊपर की साइड आया, अगली अटेंडेंट, अभी भी देखो मार्केट पैसा दे रहा है।